नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद ये आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं बैंक निफ्टी के ऊपर बेस करके एक लाइव वीडियो बना रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे आप फेक कॉल से बच सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारा नॉलेज आपको इसमें मिलने वाला है। जैसे हम लोग को सबको पता है, मार्केट में हर रोज़ काफ़ी सारा कॉल बनता है जिसमें से कुछ कॉल ही अचीव होता है, मैक्सिमम कॉल अचीव नहीं हो पाता है। तो कॉल आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, कैसे इस मार्केट में हम लोग इजिली प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर लॉस से बच सकते हैं। तो देखिए, अभी मैं जो चार्ट दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी का, इस चार्ट में एकदम बिगिनिंग में आ जाइए, यहाँ पर आपको एक रेड कलर का एरो दिखाई दे रहा है, ये आपका सिग्नल है। सिग्नल हमेशा बनता है कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू में, मतलब जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता है और नेक्स्ट कैंडल ओपन नहीं होगा तब तक कॉल कंफर्म नहीं होगा। एक बार कैंडल बन गया, नेक्स्ट कैंडल आ गया, तो ये कॉल और रिपेंट भी नहीं होने वाला है। बहुत सारा इंडिकेटर देखेंगे, सिग्नल आता है बाद में मार्केट रिवर्स हो जाने से सिग्नल गायब भी हो जाता है, बट हम लोग का यहाँ पर एक बार सिग्नल आ जाने के बाद अगर मार्केट रिवर्स भी हो जाता है तो भी सिग्नल रिपेंट नहीं होगा, उसका एग्जाम्पल आपको आगे चल के मैं दिखा रहा हूँ। तो पहले अभी इस सेल का कॉल पे फोकस कीजिए, इस कॉल में इस कैंडल पे कॉल बना था, इस कैंडल का क्लोजिंग वैल्यू था 39,251। अब क्वेश्चन ये है जो क्या ये सेल का कॉल सही है या गलत है, सिग्नल तो बन चुका है, कंफर्म हो चुका है। अब हम लोग को यहाँ पर क्या क्या चीज़ देखना पड़ेगा, हम लोग का यहाँ पर सिंपल तीन कंसेप्ट को आपको याद मतलब ध्यान में रखना है। एक है सेलिंग का टाइम, ऊपर में आपको एक रेड डॉट दिखाई देगा, रेड डॉट का साथ एक लाइन नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये इसका एक कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन, मिडिल में आपको एक लाइन दिखाई देगा जो रेड होकर नीचे की तरफ आ रहा है, ये वाला लाइन इसका ट्रेंड लाइन है। सेलिंग का टाइम इस लाइन का कलर को रेड होना है, और मिडिल में आपको एक व्हाइट एंड येलो लाइन दिखाई देगा, व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके अगर नीचे आ जाता है तो सेलिंग के लिए ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये तीन बेसिक कंसेप्ट आपको फॉलो करना है ट्रेड लेने का पहले। तो मैं और एक बार बता देता हूँ, सेलिंग का टाइम रेड डॉट बनेगा, मिडिल का लाइन रेड होगा और व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके नीचे आएगा। अगर ये तीन कंडीशन मैच होता है तभी आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज नॉट। तो देखिए, ये कॉल यहाँ पर अप्रूव किया था और इसका एग्जिट होगा जहाँ पर ये लाइन रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हुआ है, जैसे इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा है लाइन का कलर रेड से ग्रीन में कन्वर्ट हो गया, इसका मतलब है यहाँ पर मार्केट बाइंग ट्रेंड में चला गया। तो ये आपका एंट्री अगर होगा इस कैंडल का क्लोजिंग में, आपका एग्जिट होगा यहाँ पर, या फिर इसका अंदर आप कहीं पर भी पोजिशन को छोड़ सकते हैं। उसका बाद देखिए, यहाँ पर एक बाइंग का कॉल बना था, ये जो ब्लू कलर का एरो है ये आपका बाय का कॉल है। बाइंग में जस्ट वही सेम कंडीशन ऑपोजिट में ध्यान में रखना है। देखिए, ब्लू डॉट के साथ ये लाइन कंटिन्यू हो गया, सिंपली दिखाई दे रहा है। मिडिल का लाइन तो पहले से ग्रीन हो गया था, बट व्हाइट लाइन येलो लाइन को कहाँ पर तोड़ा, जहाँ पर सिग्नल बना है उसका बाद व्हाइट लाइन येलो लाइन को तोड़ के ऊपर गया, तो यहाँ से बाइंग ट्रेंड अप्रूव किया है और अल्टीमेट देखिए मार्केट ऊपर गया। यहाँ पर देखिए, अभी एक सेलिंग का कॉल बना था, अभी इस टाइप का कॉल में हम लोग जनरली फंस जाते हैं। ये जो सेल का कॉल आपको दिखाई दे रहा है, सेल का कॉल बन गया था, मिडिल का लाइन रेड हो गया था, बट ये जो ब्लू डॉट का साथ ये लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये बाइंग का साथ ही कंटिन्यू कर रहा है। ये जो ब्लू डॉट का साथ लाइन दिखाई दे रहा है ये बाइंग पे कंटिन्यू कर रहा है, एज वेल एज अगर आप देखेंगे व्हाइट लाइन येलो लाइन का ऊपर है, इसका मतलब है मार्केट में जो ट्रेंड है अभी भी बाइंग की तरफ है। तो इस हिसाब से ये सेल का कॉल फॉल्स हो गया, अभी फिलहाल फिर से बाय का कॉल दिया है, मतलब दे रहा है। ये जो सेल का कॉल अगर नहीं आता तो ये बाय का कॉल भी नहीं आता, तो एक्चुअली बाय का कॉल यहां से शुरू हुआ है जो अभी तक कंटिन्यू कर रहा है। तो ये तीन बेसिक लॉजिक को आपको याद रखना पड़ेगा। बाइंग का टाइम मिडिल का लाइन ग्रीन रहेगा, नीचे में जो ब्लू डॉट का साथ लाइन दिखाई दे रहा है ये एक कंडीशन है, और व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। जब तक व्हाइट लाइन येलो लाइन को ब्रेक करके नीचे नहीं आता है इसका मतलब है तब तक मार्केट में बाइंग ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो ये देखिए, अभी भी ये लाइव में चल रहा है, मार्केट में अपडेट हो रहा है 39,095। तो देखते देखते मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया। तो काफ़ी सिंपल टेक्निक है, ये थ्री इंडिकेटर को जस्ट हमको कन्वर्ज करके काम करना है। अगर कंडीशन मैच होता है तो ट्रेड कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। लॉस खाने से बेटर है उस दिन ट्रेड ही मत कीजिए जहाँ पर आपको इस टाइप का कॉल दिखाई देगा, ये जो सेल का कॉल जहाँ पर आपका कंडीशन मैच नहीं दिख रहा है, तो इस टाइप का कॉल को आपको अवॉइड करना है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बोलिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक यू सो मच, गुड बाय।